अरविंद सिंह यादव, दस्तावेज लेखक, सदर तहसील सुल्तानपुर की तरफ से सभी देश प्रदेश और क्षेत्र वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राम सागर कसौधन, किराना व्यापार मंडल अध्यक्ष, सागर एजेंसी पान दरीबा नमक मंडी सुल्तानपुर की तरफ से सभी देश प्रदेश और क्षेत्र वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अरविंद कुमार वर्मा, प्रधान दुबेपुर जिला सुल्तानपुर की तरफ से सभी देश प्रदेश और क्षेत्र वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद अकबर रजा, पुत्र स्वर्गीय इश्तियाक अहमद, पूर्व प्रधान पारा जिला सुल्तानपुर की तरफ से देश प्रदेश और सभी क्षेत्र वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जुनेद अहमद, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पुत्र स्वर्गीय अखलाक अहमद, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बल्दी राय जिला सुल्तानपुर की तरफ से देश प्रदेश और सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। माला वाजपेयी एआरटीओ सुल्तानपुर की तरफ से देश प्रदेश और सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाजी जमा खान, आईटीआई चेयरमैन कांग्रेस जिला सुल्तानपुर की तरफ से देश प्रदेश और सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर मोहम्मद उमर खान, पारा मंगल बाजार बल्दी राय जिला सुल्तानपुर की तरफ से देश प्रदेश और सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पवन मिश्रा कटावा, मंडल प्रभारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार विभाग की तरफ से देश प्रदेश और सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुल्तानपुर में पुलिस की बड़ी कार्यवाही, सैकड़ों लीटर अवैध देशी शराब बरामद, पुलिस ने शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार, शराब भट्टियों को किया नष्ट। सुल्तानपुर पुलिस को पिछले कई दिनों से मुखबिर से खबर मिल रही थी कि इलाके में कई जगह अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, लिहाजा एसपी शिव हरि मीणा के निर्देश पर सीओ बल्दी राय लालचंद्र चौधरी ने टीम का गठन किया और पुलिस टीम ने पीपरी इलाके में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जो कुछ भी हाथ लगा उसे देखकर खुद पुलिस भी पशुपेश में पड़ गई, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध देशी शराब मिलने की उम्मीद शायद खुद पुलिस को भी नहीं थी। पुलिस ने मौके से दीपू और प्रेम कुमार को गिरफ्तार करते हुए करीब 35 लीटर शराब बरामद की। इतना ही नहीं, पुलिस ने करीब 3 क्विंटल लहन और शराब बनाने के लिए तैयार की गई भट्टियों को भी नष्ट किया। तस्वीरें देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में किस तरह धड़ल्ले से अवैध कच्ची शराब का धंधा फल फूल रहा है। आपको बता दें कि पुलिस होली के मद्देनजर अभियान चला रही है ताकि त्योहार शांति और खुशी के साथ मनाया जा सके और किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। सुल्तानपुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए नफीस खान की रिपोर्ट।